नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराम मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूं, जो कि होने वाला है आपका उत्तर प्रदेश का कंप्लीट पैकेज है ये। और मुझे उम्मीद है इसके ये दो या तीन में वीडियो बनाने वाला हूँ। फर्स्ट ये पार्ट हो जाएगा इसका, और इसके बाद एक और उसके बाद एक और। मैंने 10 वीडियो का मटेरियल मैंने तैयार कर दिया है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और एक राज्य, एक दो राज्य और हैं। तो ऐसे करके मैंने 10 का जो है मटेरियल मैंने तैयार कर लिया है, तो मैं आप लोगों को कंप्लीट में पैकेज देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या माल जो है मैं आपको देने वाला हूँ, यानी कि क्या क्या जो है इसमें आपको मिलेगा। और मुझे उम्मीद है आप लोग सपोर्ट वगैरह अच्छे से कर रहे हैं। जो लोग मुझे जानते हैं पुराने ज़माने से, मतलब इतना पुराना ज़माना नहीं, वो जानते हैं कि कुछ अभी संकट का समय चल रहा है, इस कारण से थोड़ा सा मैं काम और थोड़ा सा ध्यान कम दे पा रहा हूँ। लेकिन नन्ही सी जान हूँ, हमेशा कहता हूँ जितना काम कर सकता हूँ अकेले कर रहा हूँ। मैं इधर उधर एक दो चैनल पे और भी पढ़ा लेता हूँ, तो थोड़ा सा मनी राम जो है मिल जाता है। यूट्यूब से मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलता है, बस जो PDF वगैरह नोट्स वगैरह जाते हैं वही पैसा मिलता है, क्योंकि एड वगैरह मैं कोशिश करता हूँ कम लगाने की, या फिर जो है कभी कभी बंद ही कर देता हूँ। कई सारे लोग कहते हैं यार इससे बेचैनी होती है मुझे, लेकिन मैं सोचता हूँ यार एड फैड देख लिया करो, 5 सेकंड 10 सेकंड का ऐड होता है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग जो शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपका क्या क्या हमको इस वीडियो में माल मिलेगा, तो इसका मतलब है हम आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस बताने वाले हैं। सिलेबस के रूप में मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं यहाँ क्या है इसमें। उत्तर प्रदेश का छोटा सा परिचय देखेंगे, छोटा सा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा बड़े से दिक्कत होने लगती है कुछ लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम इसी में बात करेंगे उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, जिसमें आ जाता है प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्राक ऐतिहासिक भी कहते हैं, प्री हिस्ट्री, ठीक है। प्री होती है, फिर प्रोटो होती है, फिर हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक पीरियड इसको बोल सकते हैं, आद्य यानी कि प्रोटो, ठीक है। उसके बाद जो है नवीन धर्मों का उदय, प्राचीन कालीन प्रमुख राजवंश, इनके बारे में हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, उत्तर प्रदेश व सल्तनत काल, उत्तर प्रदेश व मुगल काल, उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास, 1857 की क्रांति, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु, भूगर्भिक संरचनाएं, ठीक है, भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख ऋतुएं, उत्तर प्रदेश की नदियां एवं झीलें, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, ठीक है। ये तो हो जाता है आपका क्या एक छोटा सा परिचय सिलेबस के रूप में। और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसी में ही पढ़ेंगे अभी, ये तो चलो कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश का छोटा सा परिचय, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, आप लोगों को बार बार वो लगेगा और आपको भी थोड़ा सा पता चल जाएगा मैं किस तरह से एडिट करता हूँ, ठीक है। ये जो है आपका ये गया, ठीक, और आपका ये गया, ठीक है, और आपका ये गया, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की मृदाएं यानी कि मिट्टियाँ, मुर्दा नहीं बोलते हैं कुछ लोग, मृदाएं नहीं बोल पाते हैं, मुर्दाएं बोलते हैं, मुर्दाएं नहीं, मृदा होती है मिट्टी। उत्तर प्रदेश की वन संपदा एवं वन्यजीव, वनों का वर्गीकरण, उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित कार्यक्रम एवं योजनाएं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार एवं प्राणी उद्यान, उत्तर प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश, उत्तर प्रदेश में फसल उत्पादन, उत्तर प्रदेश में औद्यानिक फसलें, ठीक है, उत्तर प्रदेश के संबंधित जो है योजनाएं, दुग्ध विकास संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम, ये आपका छोटा सा इसमें हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख खनिज, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। उसके बाद इसी में ही हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, मतलब वीडियो में, मैं तीनों वीडियो में जो मैं आपको दूंगा वो, ठीक है, साला आंखों में धुंधला धुंधला महसूस हो रहा है, हाँ ठीक है, हाँ चलिए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई, सिंचाई के प्रमुख साधन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश में उद्योग, उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग, उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं जनसंचार, परिवहन के प्रमुख साधन एवं जनसंचार, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का जिलेवार अध्ययन, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल, प्रमुख सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, प्रमुख संग्रहालय, पर्यटन नीति 2021, उत्तर प्रदेश में नृत्य कला एवं नाट्य कला, नृत्य कला, उत्तर प्रदेश के प्रमुख कलाकार, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला, चित्रकला एवं संगीत कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, प्रमुख संगीत घराने,
प्रमुख लोकगीत। तो ये हो गया एक छोटा सा परिचय जो कि आप लोगों को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। नेक्स्ट इसमें जो लास्ट में क्या हम लोग पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के पर्व मेले और केले, सॉरी उत्सव, उत्तर प्रदेश में शिक्षा, भाषा एवं स्वास्थ्य, कुत्ते कहाँ से आ गए पहन के, उत्तर प्रदेश में शिक्षा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित योजना, उत्तर प्रदेश में भाषा, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में खेलकूद, उत्तर प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश में आयोजित खेल प्रतियोगिताएं, उत्तर प्रदेश में खेल पुरस्कार, उत्तर प्रदेश की जनांकिकी संरचना, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व और कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, तो ये जो है एक छोटा सा परिचय है जो कि मैं आप लोगों को पूरे लगभग 12 से 13 घंटे में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा यहाँ पे। और ये वीडियो जो 2 से 3 घंटे का होगा, मतलब हो सकता है ज़्यादा का भी हो जाए, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जो देने वाला हूँ वो ये देने वाला हूँ कि आपका उत्तर प्रदेश दे दूंगा, फिर बिहार दे दूंगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर ऐसे करके मैं आपको 10 वीडियो आपको दे दूंगा, जिसको जो जो राज्य है वो आपका कर लेना। फिर अन्य भाषाएं आ जाती हैं जैसे तमिल, तेलुगु, तो इससे जुड़े हुए अगर राज्य देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं कोशिश करूंगा करवाने का। तो चलिए फिर सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा परिचय, मतलब छोटा सा, ज्यादा छोटा नहीं होगा, जो आपको दिखे भी ना और इतना बड़ा भी ना हो जो फंसे ना। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आपका उत्तर प्रदेश का छोटा सा परिचय। उत्तर प्रदेश का बिना किसी मतलब ज्यादा मैं यहाँ पर कुछ वैसा नहीं डालूंगा, सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में मैं आपको क्लियर करा दूंगा, यहां पर जरूरत होगी समझाने की वहां पर समझा दूंगा। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, मोटा मोटी इसको कहेंगे 2,40,000 वर्ग किलोमीटर आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। राज्य उत्तर प्रदेश, राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। राज्य की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो इसका कहाँ से कहाँ तक जो है विस्तार है, मान लीजिए पूरा जो है भारत देश है, पूरा मान लीजिए पूरा भारत देश है, तो भारत देश में कितना इसका विस्तार है, तो इसका विस्तार है 23.5, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, यानी कि इस तरह से शुरू होता है उत्तरी अक्षांश से लेकर इस तरह से 23.5, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से यानी नीचे शुरू होगा, ठीक है, तो 23.5 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर फिर इस तरह चले जाएंगे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, तो 23.5 उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका कहेंगे 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, अब पूर्वी और पश्चिमी देख लेते हैं। पूर्वी पश्चिमी कहते हैं ये आपका जो है पूर्व वाला क्षेत्र, ठीक है, पूर्व वाला क्षेत्र और ये पश्चिम वाला क्षेत्र, ठीक है, तो कहेंगे यहां से कहां से शुरू होगा आपका पूर्वी, तो यहां से शुरू होगा 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका क्या है विस्तार है। तो यहां से जाएंगे इस तरह से 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, तो यहां से लेकर ये इतना क्या है मोटा मोटी देखा जाए तो 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, यानी कि पूर्व से लेकर यहां तक अगर देखा जाए तो कितने में फैला हुआ है, तो 8 डिग्री देशांतरों में भी फैला हुआ है इसकी जो है चौड़ाई है। अब अगर नीचे से मतलब अगर पूछा जाए कि देशांतरी विस्तार, वो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हम कहेंगे कितना बोलेंगे, कहेंगे मोटा मोटी 7 देश अक्षांश का विस्तार है किसमें, उत्तर प्रदेश में, यानी कहाँ से शुरू होता है आपका 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो यहाँ तक जो है 30 है। अब देशांतरी विस्तार की अगर बात करें, देशांतरी विस्तार कितना है, तो 77 से लेकर 84, तो एक बार फिर से बता दूँ राज्य की भौगोलिक स्थिति कहाँ है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 उत्तरी अक्षांश तक, वहीं देशांतरी विस्तार कितना है 77 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट देश पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये आपका फैला हुआ है। राज्य की राजधानी इस दुनिया में सबको पता होगी, उत्तर प्रदेश है की राजधानी जो है लखनऊ है, कब से है 1921 से उत्तर प्रदेश नामक राज्य की राजधानी कहां पर आपको देखने को मिलेगी, ये आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ये आपका जो है कहां गया बेटा, अभी तो तुमसे बात हो ही रही थी, यहां पर आपको मिलेगा ये है उन्नाव, लखनऊ, ये आपका देखने को मिल जाएगा ये लखनऊ। तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश नामक राज्य की क्या है राजधानी है। राज्य की लंबाई की बात करें, लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण की बात करें, अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें देशांतरी विस्तार की बात कर रहा हूं मैं, वो अक्षांश की बात कर रहा हूं, तो लंबाई की बात मैं करूं तो लंबाई जो है 240 किलोमीटर
फैला हुआ है। राज्य की चौड़ाई की बात करें तो इसको हम कहेंगे चौड़ाई मतलब देशांतरी विस्तार, हम मोटा मोटी इसको मान सकते हैं। तो देशांतरी विस्तार जो है इसका कितना है, 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के मध्य ये आपका हो जाता है। तो इसका जो है चौड़ाई जो है आपका कितना है, चौड़ाई जो है आपका पूर्व से पश्चिम, ये है आपका पूर्व दिशा और ये है पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम जो है 650 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका अगर देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई की बात कर रहे हैं, लंबाई की उत्तर से दक्षिण यानी कि नीचे इस तरह से, तो लंबाई जो है 250 वो 40 कह दो या 50 40, 240 किलोमीटर है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो है 650 किलोमीटर है। जलवायु कैसी है आपकी भारत के आपके उत्तर प्रदेश नामक राज्य की, तो जलवायु की बात करें तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी, उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी। उष्ण मतलब होता है गर्म, गर्म जलवायु, शीत मतलब होता है शीत यानी कि ठंडी जलवायु। तो यहाँ पर क्या है, उष्ण शीतोष्ण यानी कि गर्म भी है और शीतोष्ण यानी कि शीत और उष्ण दोनों, ना तो ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा गर्म है, समझ पा रहे हैं ना। तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय है और मानसूनी, मानसूनी होता है मतलब जहां पर वर्षा वगैरह अच्छी खासी होती है, तो मानसूनी है, ठीक है। राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो प्रयागराज, खंडपीठ इसका लखनऊ भी मौजूद है, यानी कि प्रयागराज जो है आपका उच्चतम न्यायालय है, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जिसको जाना जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और मैंने क्या बताया, एक पीठ यानी कि कह सकते हैं बेंच, या कहें बेंच जो है इसमें, इसकी कहाँ पर है, लखनऊ में भी एक बेंच इसकी देखने को मिल जाती है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसका उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय, और आपका जो है पीठ इसकी कहाँ पर देखने को, पीठ या कहें ब्रांच या कहें जो है बेंच अगर देखें तो लखनऊ में भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। राज्य का रेलवे जोन कौन सा पड़ता है, तो उत्तर प्रयागराज उत्तरी केंद्रीय जोन पड़ जाता है, उत्तरी केंद्रीय जोन आपका पड़ जाता है। राज्य की भाषा कौन सी है, हिंदी, और दूसरी कौन सी है भैया, तो वो है उर्दू। हिंदी और उर्दू जो है भारत देश के उत्तर प्रदेश नामक राज्य की राजकीय भाषा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य जानकारी में ही आगे। राज्य में कितने जिले हैं, राज्य के जिले की अगर बात करें तो आपके 75 जिले हैं राज्य में जो है, उत्तर प्रदेश नामक राज्य में कितने जिले हैं, आपके 75 जिले हैं। तो मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, आपका बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप जूम करके देख लेना, अंग्रेजों की भाषा में लिखा है सहारनपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ठीक है, बिजनौर। तो ये जो है 75 जिले हैं। अब बात आती है भारत राज्य के उत्तर प्रदेश के संभाग या कर मंडल कितने हैं, या हम इसको कह सकते हैं डिवीजन्स कितने हैं, तो 18 मंडल हैं। तो भैया कौन कौन से मंडल हैं, तो सहारनपुर मंडल, ठीक है, सहारनपुर मंडल में ये आ जाता है, मुजफ्फरनगर, शामली, ठीक है, मुजफ्फरनगर, शामली और आपका सहारनपुर, ठीक है। दूसरा आ जाता है मेरठ, मेरठ मंडल में अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाता है बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और ये है GVN, क्या है ये, हाँ। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद मंडल की बात करें तो बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल, ठीक। अलीगढ़ मंडल की बात कर लेते हैं, अलीगढ़ मंडल में कौन कौन से जिले आ जाते हैं, अलीगढ़ मंडल जो आ जाता है, अलीगढ़ मंडल आपका अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस। आगरा मंडल की बात करें तो मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। बरेली मंडल की बात करें तो बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ठीक है। कानपुर मंडल की बात करें तो आ जाता है फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा, औरैया, कानपुर नगर और कानपुर देहात। इसके बाद आ जाता है आपका लखनऊ मंडल की बात करें तो लखनऊ मंडल में आ जाता है लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पपीता, सॉरी, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली। झांसी मंडल की बात करें तो झांसी में आ जाता है जालौन, झांसी और ललितपुर। नेक्स्ट आ जाता है आपका चित्रकूट मंडल की बात करें तो चित्रकूट मंडल में आपका आ जाता है हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। प्रयागराज मंडल की बात करें तो प्रयागराज में आ जाता है आपका फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अयोध्या मंडल की बात करें तो अयोध्या मंडल में आपका आ जाता है बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अम्बेडकर नगर। देवी पाटन मंडल की अगर बात करें तो आ जाता है आपका आपका जो है ये आपका देवी पाटन मंडल में आपका आ जाता है वहराए, श्रावस्ती, नहीं सॉरी, ये आ जाता है भदोही,
मिर्जापुर और सोनभद्र। बस्ती मंडल की बात करें तो आपका बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती और बलरामपुर। गोरखपुर मंडल की अगर बात करें तो गोरखपुर मंडल में आपका आ जाता है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर। ठीक है, ये आ जाता है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर। आजमगढ़ मंडल की बात करें तो आजमगढ़, मऊ और बलिया। वहीं आज आपका वाराणसी मंडल की अगर बात करें तो आपका आ जाता है जौनपुर, ठीक है, गाजीपुर, वाराणसी और ये है चंदौली। ठीक, इसके बाद मिर्जापुर मंडल की अगर बात करें, मिर्जापुर मंडल में आपका जो आ जाता है, मिर्जापुर मंडल में जो आ जाता है वो आ जाता है आपका मिर्जापुर में सोनभद्र, ठीक है, मिर्जापुर और भदोही। चलिए सीमा विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, सीमा विस्तार, भौगोलिक सीमा, राज्य 9 राज्य, ठीक है, ये आ गए केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर इसकी जो है सीमा ये बनती है। अगर देखा जाए तो 8 जो इसमें राज्य हो जाते हैं प्लस एक जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो कौन कौन से आपके आ जाते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ उत्तर में क्या सीमा, कौन बनाता है ये सीमा। तो उत्तर में जो सीमा लगती है वो किससे लगती है, आपकी उत्तराखंड से। उत्तर में आपका उत्तराखंड आ जाता है। उत्तर पश्चिम में, तो इस तरह से आपको दिशाएं पता होंगी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं तो ये है, तो उत्तर पश्चिम कौन सी हो गई, ये वाली। तो उत्तर पश्चिम में क्या क्या आ जाता है, उत्तर पश्चिम में आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आ जाता है ये आपका, ये उत्तर पश्चिम है। ठीक है, उसके बाद जो है पश्चिम की अगर बात की जाए तो पश्चिम में आपका आ जाता है हरियाणा, ठीक, दिल्ली, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिण की अगर बात की जाए तो दक्षिण में आपका आ जाता है ये, पूर्व में राजस्थान भी आ जाता है, और बिल्कुल दक्षिण में जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश बहुत लंबा चौड़ा है। उसके बाद जो है यहीं पर आपको जो है इसके ठीक नीचे से यहाँ पर देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और यहाँ पर जो है आपका अगर पूर्व की ओर देखा जाए तो झारखंड और बिहार। ठीक है, आइए अब इसको हम फिर से देखते हैं। उत्तर में आपका उत्तराखंड एक हो गया, लिखता जा रहा हूं मैं, एक, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तर पश्चिम में 2, हरियाणा पूर्व पश्चिम में आपका 3, दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश 4, ठीक है, राजस्थान आपका जो है दक्षिण में, ठीक है, पश्चिम में ही है, पूरी तरह से पश्चिम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 5 नंबर में आ जाएगा ये दक्षिण में, जो आपका दक्षिण में यहाँ से शुरू हो जाता है इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है इस तरह से। तो आपका जो है छठवां जो आ जाता है एमपी, सातवां बात करें तो यहाँ नीचे पड़ेगा छत्तीसगढ़, तो आपका जो है छत्तीसगढ़ आपका जो है आपका सातवां, ठीक, झारखंड और बिहार, ठीक, 8 और 9। तो टोटल क्या समझ में आया, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका, दिल्ली, ठीक है, और 8 राज्य। तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला जो है राज्य है अन्य राज्यों से। आप दिखा देता हूँ फिर से मैं, तो उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार व झारखंड, पूर्व में बिहार और झारखंड, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम में जाएंगे तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश ही है, और नीचे है दक्षिण में आपका छत्तीसगढ़। क्लियर हुआ? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, तो आपका 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। अधिकतम सीमा वाला राज्य कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से। कहाँ से शुरू हो जाता है आपका, यहाँ से देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश इस तरह से, मध्य प्रदेश ये इस तरह से, ये इस तरह से मध्य प्रदेश की देखें तो यहाँ से शुरू होता है इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ, तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो क्या है आपका, मध्य प्रदेश है आपका। ठीक है, सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला, ठीक है, तो मध्य प्रदेश। न्यूनतम सीमा साझा करने वाला राज्य क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ी सी जो है ऐसे करके एक हल्का सा फन मारा हुआ है, पूरी तरह से डसा नहीं है, हल्का सा जो है टच किया हुआ है। तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश,
ठीक है। और सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य जो है वो क्या है आपका, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए चलिए साथियों, उत्तर प्रदेश की जनगणना देख लेते हैं 2011 के अनुसार, क्योंकि 21 वाली अभी तक हुई नहीं है, जैसी हो जाएगी वैसे मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा। तो जनसंख्या जो है 2021 के 11 के अनुसार 19,98,12,341, मोटा मोटी कहें तो 19,98,00,000। अगर उसको ज़्यादा मोटा ले लें तो हम कहेंगे 20 करोड़, ठीक है। तो 20 करोड़ है जो है जनसंख्या है किसकी, आपकी उत्तर प्रदेश की। जिसमें महिलाओं की बात करें तो 9,53,31,000, इसमें कितना परसेंटेज बैठता है, 47.71%, यानी कि कहें तो 47% बैठता है। पुरुष कितने हैं तो 10,44,80,510, 52.29%, यानी कि इसमें पुरुष हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, अगर बात की जाए इसकी जनसंख्या की, तो जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की पूरे भारत में सबसे अधिक आती है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 67.7% साक्षरता दर है। दस की वृद्धि दर की अगर बात की जाए तो 20.22% है। 10 की वृद्धि दर की मतलब 2001 में जितनी जनसंख्या थी उसके मुकाबले कितनी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, 20% वृद्धि हुई है। यानी कि 2010 में अगर हम इसमें जो है 20% कम कर दें तो आपकी जो है 2001 की निकल आएगी। तो इसको क्या है, कितनी 10 की वृद्धि दर हुई है आपका, 20%, 20.22 यानी कि मोटामोटी कहें तो 20% जो है 10 की वृद्धि दर हुई है। लिंगानुपात की बात करते हैं, 912 है, यानी कि 1,000 महिलाओं पे, 1,000 महिलाओं पे 912 पुरुष हैं, यानी कि आपकी 8 महिलाएं, नहीं, 1,000 पुरुषों पे 912 महिलाएं, यानी कि 98 जो हैं वो 88 जो है पुरुष जो है कुंवारे रह जाएंगे। क्लियर हुआ, यानी कि 912 जो है लिंग अनुपात, लिंग अनुपात मतलब 1,000 महिलाओं पे कितने पुरुष होते हैं, ठीक है। 1,000 या कह सकते हैं 1,000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं, तो लिंगानुपात ये हो रहा है कि इतनी महिलाएं हैं, वो सॉरी इतने पुरुष हैं तो 912 क्या हैं आपकी, महिलाएं हैं। नगरीय जनसंख्या कितनी है, 4,44,45,063, यानी 22% लोग जो है नगरों में रहते हैं यानी कि शहरों में 2011 के अनुसार। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 15,53,70,270, यानी मोटा मोटी कहें तो 15.5 करोड़ जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है, यानी कि 77% जनसंख्या गांव में निवास करती है 2011 के अनुसार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है इलाहाबाद है, यानी कि प्रयागराज है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, ठीक है, सबसे कम, तो आपका प्रयागराज, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है आपका प्रयागराज, प्रयागराज यानी कि प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ यहाँ पर ही पड़ेगा आपका प्रयागराज, अभी बात हुई थी थोड़ी देर पर, ये रहा प्रयागराज, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये क्या है, जिला है क्या आपका, प्रयागराज। और महोबा इधर आपको देखने को मिल जाएगा, ये महोबा, महोबा जो है सबसे कम वाला है, और आपका जो है प्रयागराज जो है आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, वो देश शहर है, ठीक है। चलिए 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिक्षा देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा, एजुकेशन इन यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय जो बना था वो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय सन 1887 में, ठीक है। राज्य एवं एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, राज्य और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय यानी कि उत्तर प्रदेश में और पूरे एशिया में सबसे बड़ा जो आवासीय विश्वविद्यालय वह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि कहाँ पर पड़ेगा आपका, वो पड़ेगा आपका वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी यानी कि बनारस में, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है राज्य का सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला लखनऊ, सबसे अधिक विश्वविद्यालय है आपके लखनऊ में।
राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय तो राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में बना हुआ, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के निदेशालय का गठन इलाहाबाद में हुआ था यानी कि प्रयागराज में 1972 में। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो इलाहाबाद में किया गया था यानी कि प्रयागराज में सन 1982 में ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज इन यूपी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो उद्योग थोड़ा सा देख लेते हैं, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है जो वो है हथकरघा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपको कानपुर को। कानपुर कहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पर जो है आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये कानपुर, ठीक, कानपुर, ये कानपुर, ठीक है, कानपुर देहात और कानपुर नगर, तो ये है आपका कानपुर। चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान जो है कौन सा है, तो दूसरा स्थान है। प्लास्टिक सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो औरैया को प्लास्टिक सिटी कहा जाता है। औरैया कहाँ पर देखने को मिलेगा, यह है आपका औरैया, ये कन्नौज औरैया, ठीक, इटावा की थोड़ा सा पास औरैया, ठीक, इसको प्लास्टिक सिटी कहा जाता है। मेगा फूड पार्क कहाँ पर बनना है आपका, जगदीशपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से। राज्य में जूट की मिलें के कहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, तो कानपुर व सहजनवा, ठीक है, सहजनवा जो पड़ता है आपका गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है आपका, देवरिया के पास, ये आपको मिल जाएगा गोरखपुर। कानपुर आपको मिल ही गया, कहाँ पर है कानपुर, ये आपका कानपुर, ठीक। चमड़ा उद्योग का केंद्र कौन सा है आपका, कानपुर, कानपुर मैंने बता दिया। राज्य में कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो वो है आपका बरेली में। भैया बरेली कहाँ है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बिजनौर, बिजनौर के बगल में, ये है आपका, अभी बिजनौर कहाँ गया, हाँ ये बिजनौर नहीं, ये रामपुर के बाद बरेली, ठीक है, बरेली मंडल है, तो ये है बरेली, ठीक। चलिए राज्य में उर्वरक बनाने के कारखाने सबसे अधिक कहाँ पर हैं, गोरखपुर में, कानपुर में, वाराणसी में और प्रयागराज में, ठीक है, गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है, ये आपका गोरखपुर, ठीक है, ये है आपका कानपुर, यहाँ पर जो है कानपुर मिलेगा, ये यहाँ पर ये कानपुर है, ठीक। उसके बाद यहीं पर जो है आपका वाराणसी है, ये आपका जौनपुर, गाजीपुर, ये वाराणसी, और ये है जो आपका कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, इसके नीचे ही आपको प्रयागराज मिल जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में पुरस्कारों के प्रथम प्राप्तकर्ता, ठीक है, राज्य में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, राज्य में पद्मश्री प्राप्त करने वाले, तो वह अखिल चंद्र मित्रा, 1954 में मिला था, श्री अखिल चंद्र मित्रा, इनको राज्य का पद्मश्री दिया गया था। राज्य में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, वो है आपकी श्रीमती मोना चंद्रवती गुप्ता। मोना चंद्रवती गुप्ता जो है प्रथम राज्य से पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला है। कब दिया गया था, 1965 में। राज्य में प्रथम पद्म भूषण व्यक्ति कौन थे, तो वो थे शांति स्वरूप भटनागर, प्रथम पद्म भूषण जो है प्राप्त करने वाले व्यक्ति। राज्य में प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करने वाली महिला कौन है, तो वह है आपकी रामेश्वरी नेहरू, ठीक है, रामेश्वरी नेहरू। राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ये आपकी राज्य की प्रथम महिला, प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम थोड़ा सा देख लेते हैं, फर्स्ट इन यूपी। राज्य में प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सरोजनी नायडू, ठीक है। सबसे ज्यादा बार राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति कौन थे, मोहम्मद शफी कुरैशी व बी एल जोशी। मोहम्मद शफी कुरैशी एवं बी एल जोशी, ये तो है आपकी सरोजनी नायडू। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो चौधरी नारायण सिंह। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। राज्य की और देश की प्रथम महिला
मुख्यमंत्री कौन थी आपकी? सुचेता कृपलानी। सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव। 38 वर्ष की आयु में ये बनते हैं। ठीक है, चलिए चलिए उत्तर प्रदेश में प्रथम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो वो थी आपकी सुश्री मायावती। ठीक है, सुश्री मायावती कितने बार रही है? 4 बार। ठीक है, राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क बख्शी तालाब लखनऊ में। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक बायोटेक पार्क लखनऊ में। ठीक है, बायोटेक पार्क ये लखनऊ में। ठीक, एशिया का प्रथम बायोटेक पार्क है। देश का प्रथम वाईफाई स्मारक कौन सा है? तो ताज। कब से शुरू हुआ ये? जून 2015 से। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, फिल्म सिटी यूपी, फिल्म सिटी कहाँ पर है आपका? नोएडा गौतम बुद्ध नगर। राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वॉल्टर मॉर्गन। स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तब कौन थे आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश? वो थे आपके सर वॉल्टर मॉर्गन। बिंदु भूषण मलिक स्वतंत्रता के बाद, यानी कि बिंदु भूषण मलिक जो थे स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम क्या थे आपके? जज थे। चलिए उत्तर प्रदेश में प्रथम में आगे देखते हैं। राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन आपके प्रथम कौन थे आपके? विधानसभा अध्यक्ष थे। सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? आत्माराम गोविंद खैर, केसरी नाथ त्रिपाठी। आत्माराम गोविंद खैर और केसरी नाथ त्रिपाठी जो थे 3 बार जो है मुख्यमंत्री, वो सॉरी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल आपके क्या थे? आपके प्रथम लोकायुक्त थे। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? मोहम्मद असगर, अजगर नहीं, मोहम्मद असगर। राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद असगर, अजगर नहीं। राज्य के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल। राज्य के विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रलाल। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगठन देख लेते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं इनमें से। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन वर्ष 1962 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की जाए का गठन कब किया गया था? तो 9 मार्च 1993 में हुआ था। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 1994 में हुआ था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ था। राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन कब हुआ था? तो अगस्त 2004 में हुआ था। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 12 जुलाई 2013 को हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन वर्ष 2013 में हुआ था। एनआरआई विभाग का गठन प्रवासी भारतीयों के लिए 18 जुलाई सन 2014 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे सबसे छोटा और सबसे या सर्वाधिक, यहाँ पर देखते हैं। राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी कहाँ पर पड़ता है भैया? नीचे खीरा लटका हुआ होगा, ये देख रहा है ना, खीरा लटका हुआ है, इसको इसीलिए बोलते हैं लखीमपुर खीरी। अबे ये तो लखीमपुर खीरी सही बात है ना, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी खीरी, अरे यार गलत हो गया, केला नहीं, सॉरी वो नहीं, ये ललितपुर है, इधर है खीरा, लखीमपुर खीरी। ठीक है, ऊपर हमने ये लटका हुआ था ना, हमें लगा ये खीरा है, खीरा नहीं है, मतलब लखीमपुर खीरी। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला ये जिला है उत्तर प्रदेश का। राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़। हापुड़ भैया कहाँ पर है? हापुड़ ये आपका मिलेगा, ये हापुड़ मेरठ मंडल में हापुड़। ठीक है, राज्य के सबसे बड़े संभाग या मंडल, ठीक है, सबसे बड़े संभाग या मंडल की बात करें तो कानपुर, लखनऊ और मेरठ, छह छह जिले हैं इनमें, कानपुर, लखनऊ और मेरठ।
ये है आपका मेरठ, ठीक है, ये है आपका कानपुर, और ये है आपका लखनऊ, ये राजधानी भी है। राज्य के सबसे छोटे संभाग, तीन तीन जिले वाले हैं इसमें, तीन तीन जिले हैं, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती और सहारनपुर। आपका सहारनपुर दिखा देता हूँ, ये सहारनपुर, ठीक है, बस्ती दिखा देता हूँ आपका, ये है बस्ती, ये है आपका, एक मिनट, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, मैंने सहारनपुर, वो सॉरी सहारनपुर, ठीक, मिर्जापुर यहीं आपको मिल जाएगा, बस्ती, ठीक है, और आजमगढ़ में जूम करके दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपका आजमगढ़, ठीक है, ये आपका आजमगढ़, ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में, राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें किस में हैं, तो प्रयागराज में 12 सीटें, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी यही है। राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्रावस्ती आपको दिखा देता हूँ, ये आपका महोबा, सबसे कम सीटों वाला, क्योंकि जनसंख्या सबसे कम महोबा की ही है, श्रावस्ती, ठीक है, और ये है आपका चित्रकूट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1957 में। मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियाँ कौन सी थीं, सरकी शैली और मुगल, जो कि आगरा शैली के नाम से भी जानी जाती है। सरकी शैली का सबसे अच्छा एवं सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है, अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है। जौनपुर आपका कहाँ है, कौनपुर, जौनपुर, कहाँ पर आपको ये है, जौनपुर, ठीक, जौनपुर, तो यहाँ पर ये है अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद, ये है अटाला मस्जिद, सबसे अच्छी बताई जाती है, सर्वोत्कृष्ट। आधुनिक मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है, ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर है आपका, आगरा में। आगरा कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है आपका, आपका भैया उत्तर प्रदेश जो है वो इंडिया में यानी कि भारत में पड़ता है, ठीक है, तो आगरा में क्या है आपका, ताजमहल। आधुनिक स्थापत्य कला की प्रमुख शैली कौन सी है, लखनऊ शैली। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना कौन सा, बड़े इमाम बाड़े का हॉल, यह है बड़ा, बहुत बड़ा, यह है बड़े इमाम बाड़े का वो, ये है बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है। लखनऊ चित्रकला शैली की जनक कौन है, आसित कुमार हल्दार, आसित कुमार हल्दार, बहुत बड़ा हल्दार इनके पास, इसलिए इन्हें हल्दार। चलिए उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राज्य प्रतीक देख लेते हैं, राज्य के प्रतीक, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक, ठीक है, जैसे राज्य की पशु क्या है, आम क्या है, केला क्या है, ये। चलिए आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं राज्य की पशु, ठीक है, राज्य की पशु, बारहसिंगा, ठीक, बारहसिंगा, बारहसिंगा हिरण प्रजाति का एक बड़े आकार का पशु, ठीक है, वन्य पशु है। इस वन्य जीव को उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य पशु के रूप में चुना है। इसका प्राकृत वास मुख्यतः जो है दलदली व कीचड़ वाले तथा ऊंची घास से आच्छादित क्षेत्र वाले के कारण, क्षेत्र होने के कारण इसे स्वयं डियर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्य जीव बिहार आदि में देखने को मिल जाता है। फिर से बता दूं, बारहसिंगा हिरण प्रजाति का जो है, हिरण प्रजाति का एक बड़े आकार का वन्य जीव है या कहें पशु है। इस वन्य जीव को उत्तर प्रदेश शासन ने यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पशु के रूप में चुना है। इसका जो वास होता है, प्राकृत वास होता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो दलदली और कीचड़ वाले क्षेत्र में पाए जाने का, इसको स्वैंप डियर भी कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर ये खासकर मिलता है, तो दुधवा, ये है दुधवा, ठीक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में आपका बारहसिंगा देखने को मिल जाता है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और किशनपुर वन्यजीव बिहार भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है। तो नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, दुधवा, ठीक है, किशनपुर, ठीक है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, रानीपुर, चंद्रप्रभा। चल नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक में ही राजकीय वृक्ष पशु कौन सा है, बारहसिंगा।
राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इस वृक्ष को हिंदू धर्म में काफी जो है पवित्र और लाभकारी एवं विभिन्न मनोरथों को पूर्ण करने वाला बताया गया है। यह आर्द्र क्षेत्र का जो है वृक्ष है, आर्द्र मतलब जहाँ पर पानी यानी अच्छा खासा बरसता है। ठीक है, राजकीय पक्षी सारस बताया गया है, रखा गया है उत्तर प्रदेश शासन ने। तो उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य पक्षी के रूप में यानी कि राज्य के पक्षी के रूप में सारस यानी कि क्रैन को अपनाया है। सरोवर के पास इसका प्राकृतिक वास होने के कारण इसे सारस कहा जाता है। सारस क्योंकि सरोवर यानी कि सरोवर के पास इसको रहने के कारण इसमें नर और मादा एक साथ जोड़े में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने जोड़ा मतलब खत्म होने के कारण वो अपना दूसरा जो जोड़ा होता है वो अपना प्राण त्याग देता है। यानी कि सारस जो मेल फीमेल के रूप में रहते हैं, अगर इनमें से कोई एक खत्म हो जाए तो दूसरा जो है प्राण त्याग देता है, ऐसा कहा जाता है। यह लगभग 6 फीट ऊंचाई तथा 8 फीट पंखों तक पंखों के विस्तार के साथ कद में उड़ने वाला पक्षियों में सबसे ऊंचा पक्षी माना जाता है। चलिए चलिए राजकीय पुष्प देख लेते हैं। पलाश। पलाश उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय फूल है। श्रेष्ठ गुण वाली पत्तियां धारण करने के कारण इसे पलाश कहा जाता है। ठीक है, श्रेष्ठ गुण वाली पत्तियां धारण करने के कारण इन्हें पलाश कहा जाता है। इनकी पत्तियों में भोजन या प्रसाद लेना बहुत जो है लाभदायक माना जाता है। इसके बीज पेट के कीड़े दूर करने के लिए एक विशेष औषधि मानी जाती है। होली पर इनके फूलों के रंग से होली भी खेली जाती है। ठीक है, बरसाना वगैरह में आपके पलाश के फूलों से ही होली वगैरह खेली जाती है। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। ठीक है, ठीक है, प्राचीन इतिहास आइए समझ लेते हैं, एक एक करके टॉपिक क्लियर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्राचीन इतिहास के स्रोत की अगर बात की जाए तो आज भी उपलब्ध हैं। इन्हीं इन्हीं सभी ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य को प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल में जो है बांटा गया है। अब मैं हिस्ट्री में आपको बहुत डिटेल में जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक पढ़ा चुका हूँ, तो उसको आप पढ़ेंगे तो उसके साथ अगर आप इसको वीडियो को देखेंगे तो बड़ा आसानी से आपको कम भी पढ़ना पड़ेगा और चीज़ें भी एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगी। आपको प्राचीन का मिल जाएगा, मध्यकालीन मिल जाएगा, तो सब मिल जाएगा। तो जब मैं प्राचीन पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि इतिहास जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। इतिहास जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड ऐतिहासिक काल जिसको हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि जो साक्ष्य होते हैं पूरी तरह से किस पर निर्भर रखना पड़ता है हमें, जो स्त्रोत होते हैं कौन से खुदाई से प्राप्त जो अवशेष होते हैं उन पर रहना पड़ता है आश्रित। आद्य में क्या होता है, आद्य में हमें कुछ लिखा पढ़ी का जैसे साहित्यिक स्त्रोत होते हैं मिल तो जाते हैं, लेकिन मिल तो गए लेकिन वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं गया। वहीं ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें तीनों स्रोत मिलते हैं, साहित्यिक आपका जो है पुरातात्विक और जो है जितने भी स्रोत होते हैं वो सारे के सारे मिल जाते हैं। तो इसमें खुदाई से मिला भी सामान मिलता है, लिखित में मिल जाता है, कुछ ना कुछ जो है मतलब बिल्डिंग्स वगैरह या फिर हथियार वगैरह हर एक चीज जो है आपकी मिलेगी, किसकी जो है ऐतिहासिक स्रोत होती है। तो इसी को आधार बना के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया, उत्तर प्रदेश में प्राचीन भारत के वो प्राचीन इतिहास के स्रोत जो है आज भी मौजूद है यानी कि उपलब्ध है। इन्हीं सभी ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य के इतिहास को जो 3 भागों में मोटा मोटी हम बांट सकते हैं। प्रागैतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक काल भी इसको कह सकते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल की अगर बात की जाए तो प्रागैतिहासिक काल की घटनाओं का कोई जो है लिखित विवरण नहीं मिलता है, इसलिए इस काल से संबंधित जानकारी जो है पाषाण निर्मित वस्तुएं यानी कि जो पत्थर से बनी हुई जो वस्तुएं थी उन वस्तुएं और उपकरणों से प्राप्त होती है, इसलिए इस काल को जो है पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो जो आ जाता है आपका प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो पाषाण काल की अगर बात करें, पत्थर वाला जो काल है या स्टोन एज की अगर बात की जाए तो इसको जो हम 2 भाग 3 भागों में बांट देते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांट देते हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पुरा पाषाण की बात करें तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। मध्य पाषाण की बात की जाए तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। नव पाषाण की बात करें तो 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,500 ईसा पूर्व तक के समय काल को माना जाता है। निम्न पुरा इसको जो है पुरा पाषाण जो है इसको 3 भागों में बांट देते हैं, निम्न पुरा, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। तो निम्न पुरा पाषाण जो है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक का औजार, हस्तकुठार, बिदारड़ी और क्लीवर जो है इसमें देखने को मिलता है। मध्य पुरा पाषाण काल की बात करें तो आपका 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक का औजार जो है शल्क उद्योग, ठीक है,
उच्च पुरापाषाण की अगर बात की जाए तो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के समय काल को माना जाए। शल्क, फलक एवं ब्लेड एवं इब्यूरिन, ठीक। तो ये जो है तीन भागों में इसको बांट देते हैं। तो पाषाण काल को तीन भागों में, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। वो पुरापाषाण को भी तीन भागों में बांटा जाता है। तो इसी के आधार पर जो है हम उत्तर प्रदेश का इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रागैतिहासिक काल का जो इतिहास है उसको जानने का कोई भी लिखित स्रोत नहीं है, कोई भी हमें साहित्य वगैरह नहीं मिलती है, बल्कि इस किस पर हमें आश्रित रहना पड़ता है, पाषाण काल से प्राप्त जो पत्थर के उपकरण और वस्तुएं और जो औजार थे उन पर हमें आश्रित रहना पड़ता है। इसलिए पाषाण काल को हम तीन भागों में भी बांट सकते हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पाषाण मतलब पत्थर होता है, ऐसा युग जिसमें केवल पत्थर से बनी हुई चीजें, पत्थर से बने हुए औजार, पत्थर से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग होता रहा है, ऐसे काल को हम पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल कह देते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं पुरापाषाण काल, ठीक है। पुरापाषाण की अगर बात की जाए तो राज्य में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य जो है बेलन घाटी, जो कि वर्तमान में प्रयागराज या कहीं इलाहाबाद में देखने को मिल जाता है। कहां पर है भैया प्रयागराज? तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो है अल्लाहाबाद, या इसको हम कह देते हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज कौन सा? बेलन घाटी वाला क्षेत्र आपका प्रयागराज में देखने को मिल जाता है। सिंगरौली घाटी जो कि सोनभद्र जिले में आपको देखने को मिल जाता है, ये है सोनभद्र जिला। चकिया, चकिया यानी कि चंदौली वाला क्षेत्र यहाँ पर जो है चंदौली। तो इलाहाबाद, सोनभद्र और चंदौली, तो मैंने क्या बताया राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य जो है बेलन घाटी, ठीक है, प्रयागराज या इलाहाबाद में देखने को मिलता है। सिंगरौली, सोनभद्र और चकिया जो है चंदौली से हमें प्राप्त तो होते हैं, ठीक है। बेलन घाटी की अगर बात की जाए, बेलन घाटी कहाँ पर है आपका? इलाहाबाद वाले क्षेत्र में। बेलन घाटी के पुरा स्थलों की खुदाई जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में की गई थी। बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से, पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि यानी कि हड्डी से बना हुआ मातृ देवी की मूर्ति यानी कि प्रतिमा भी हमें प्राप्त होती है। कहाँ से मिली है? आपका बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा यानी कि मूर्ति यानी कि एक जो है जो हम छोटी सी इस तरह से देखते हैं ना, वो मिलती है। इस काल के अधिकतर उपकरण जो है क्वार्टजाइट पत्थर के निर्मित थे। किसके? पुरापाषाण काल के, ठीक है। इस काल में, किस काल में आपका? पुरापाषाण काल की अगर बात की जाए तो लोगों को आग, कृषि कार्य, गृह कार्य आदि का ज्ञान नहीं था, लेकिन पशुपालन से ये परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। वैसे बता दूं आपका पुरापाषाण काल है, इसमें आपको आग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कृषि कार्य के साक्ष्य नहीं मिलते हैं और गृह कार्य के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन पशुपालन से ये लोग परिचित थे। कौन से? आपके पुरापाषाण काल के लोग, ठीक है। मध्यपाषाण की बात करते हैं। मध्यपाषाण काल के साक्ष्य की अगर बात की जाए तो मिर्जापुर, सोनभद्र, मोहरना पहाड़, लेखिया पहाड़, और भगरी खोर, ठीक है। मिर्जापुर कहां पर आपको देखने को मिला? ये तो है पहले आपका सोनभद्र, और सोनभद्र के ठीक ऊपर देखने को मिलेगा आपका मिर्जापुर। तो सोनभद्र और मिर्जापुर में आपका, सोनभद्र में आपका क्या है? मोरहना पहाड़, लेखिया और बगरी खोर, ठीक है। ये जो तो है सोनभद्र के क्षेत्र। मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में आपका क्या मिलता है? मध्यकाल से जुड़े हुए जो है साक्ष्य मिल जाते हैं, ठीक है। पुरापाषाण काल की अपेक्षा इस काल का जो है मनुष्य या कहें मानव या कहें जो इंसान जो था, कृषि भी करता था, पशुपालन भी करता था और मृतक की अंत्येष्टि करने तथा आग पर प्रयोग वो भोजन पकाने से परिचित था। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार करता था। फिर से बता दूं मध्यपाषाण काल का जो व्यक्ति था वो क्या कर लेता था? आपका कृषि को भी थोड़ा सा जान गया था, पशुपालन भी कर लेता था, मृतक की अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार भी करना थोड़ा सा सीख गया था, आग पर भोजन पकाना भी सीख गया था, यानी कि आग पर भोजन पकाने से परिचित वह हो गया था, ठीक है। किस काल की बात है? मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में जो सब सब यानी कि जो मनुष्य जो जब खत्म हो जाता था इस दुनिया से, जो मर जाता था, तो सब दफनाने के प्रमाण जो है सराय नहार से मिले हैं। सराय नहार से सब दफनाने के जो है साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें सराय नहार से आपके सब दफनाने के जो है साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से 15 जो है समाधान प्राप्त हुए हैं, यानी कि वहां से शव वगैरह जो है गड़े हुए मिले हैं, जिसमें मृतकों का सिर जो है पश्चिम की ओर था। मृतकों का किस ओर था? मृतकों का सिर जो है पश्चिम की, ये है पूर्व और ये है पश्चिम, तो पश्चिम की ओर जो है सिर हुआ करता था। चोपनी मांडो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद वाले क्षेत्र में, चोपनी मांडो प्रयागराज यानी कि ये आपका इलाहाबाद वाला क्षेत्र। चोपनी मांडो प्रयागराज से झोपड़ियां तथा मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं।
मैदहा यानी कि प्रतापगढ़ यहाँ पर है। जो आपका प्रतापगढ़ कहाँ गया बेटा, प्रतापगढ़ यहीं पर है आपका प्रतापगढ़। ये है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये सुल्तानपुर के ठीक नीचे प्रतापगढ़। तो मैदहा प्रतापगढ़ स्थल से उपकरणों के साथ साथ गर्त यानी कि जो गड्ढे होते हैं, गर्त, चूल्हे, अस्थि यानी कि हड्डियां और सींग के आभूषण के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। कहां से? आपके प्रतापगढ़ से। पुरापाषाण काल की अपेक्षा इस काल का जो मनुष्य याकाएं, मानव याकाएं, इंसान याकाएं जो है, जो ह्यूमन है, वो कृषि कर लेता था थोड़ी बहुत, पशुपालन भी करने में सक्षम हो गया था और मृतक की अंत्येष्टि करने तथा आग पर भोजन पकाने में परिचित हो गया था। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, नवपाषाण काल देख लेते हैं। नवपाषाण उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा नवपाषाण देखते हैं। तो राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य में नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य जो है प्रयाग, प्रयागराज यानी कि यहां पर जो है आपका, यह है आपका प्रयागराज वाला क्षेत्र, यह है प्रयागराज वाला क्षेत्र। तो प्रयागराज के कोल्डी हवा, महगड़ा तथा पंचोह, फिर से बता दूं, प्रयागराज में पड़ता है कोल्डी हवा, महगड़ा तथा पंचोह, उसके बाद प्रतापगढ़, मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिले से, यानी कि यहां पर इसके ठीक नीचे मिलेगा आपका प्रतापगढ़, मिर्जापुर और इसके, वो सॉरी, प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास में, यहाँ मतलब सोनगढ़, सोनगढ़, प्रतापगढ़ और आपका ये है आपका सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रतापगढ़। ठीक, तो सोनभद्र जिलों से ये देखने को मिलता है, यानी मोटा मोटी देखा जाए तो ये वाला पूरा क्षेत्र जो है आ जाता है आपका। ठीक, तो कोल्डी हवा से जो है, कोल्डी हवा से धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। इसकी अवधि यानी कि इसका जो समय की बात करें तो लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच का इनका समय काल माना जाता है। यहां से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर धान के दाने, भूसी तथा पुआल के अवशेष भी हमें देखने को मिल जाते हैं। इस काल का मनुष्य या कहें मानव जो है कृषि कर्म यानी कि कृषि कार्य या कहें, कृषि करने के साथ साथ पशुपालन करने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में तथा उस पर चित्रकारी और पॉलिश करने, आवास बनाने, जानवरों की खालों से वस्त्र बनाने आदि क्रियाओं से भी परिचित होने लगा था। ठीक है, किस काल की बात है? नवपाषाण काल की बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोल्डी हवा, ठीक है, यहाँ पर है आपका सोनभद्र, उसके बाद मिर्जापुर, उसके बाद प्रतापगढ़। ठीक, चलिए, आद्य ऐतिहासिक काल देख लेते हैं। मैंने बताया तीन भागों में बांट देते हैं, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक की बात अगर की जाए, यहाँ पर मैंने तीनों को रख दिया है। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, भैया मिलता है, लिखित साक्ष्य मिलता है, भैया नहीं मिलता है। किसमें? जैसे पुरापाषाण है, मध्य पाषाण है, निम्न पाषाण है, तो इसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य केवल देखने को मिलता है, लिखित साक्ष्य यानी साहित्यिक साक्ष्य भी देखने को नहीं मिलता है। किसमें? पुरातात्विक में, जैसे आपका पत्थर हो गया, मूर्तियां हो गई, तो ये पुरातात्विक साक्ष्य में हो देखने को मिल जाता है। वहीं जो है आपका आद्य ऐतिहासिक में देखा जाए तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी ये आ जाती है कि जो लिखित साक्ष्य मिलते तो हैं उनको पढ़ा नहीं अभी तक जा सका है। यहाँ पर क्या है, आपको लिखित साक्ष्य मिलते नहीं है, लेकिन यहाँ मिलते तो आद्य में, आद्य मतलब जो पढ़ा न जा गया हो, तो यहाँ मिला तो है लिखा हुआ साक्ष्य, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का ही, उसको आज तक अभी क्या कहें, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। पुरातात्विक साक्ष्य जो है, आपके ऐतिहासिक काल की बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं और लिखित साक्ष्य भी देखने को मिल जाते हैं, उनको पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, चलिए, आद्य ऐतिहासिक काल देखें तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है दूसरे स्तर का होता है, इसमें लिखित साक्ष्य होता है लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इस काल में धातुओं का प्रयोग जो है प्रारंभ हो जाता है। मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया, इसके बाद कांसे का तथा आखिर में लोहे का प्रयोग करना सीख गया था। इस संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में तांबे का सबसे पहले उपयोग होना शुरू हो गया था। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ, यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का मेरठ ये आपको मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश का मेरठ, उसके बाद यहाँ है शाहजहानपुर जिलों से प्राप्त होता है। फिर से मैं दिखा दूँ, यह उत्तर प्रदेश कोने में आपका जो हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र पड़ता है, तो ये आपका शाहजहानपुर, इसके बाद जो है ये है आपका मेरठ या मेरठ। ठीक, तो मेरठ तथा शाहजहानपुर जिलों से आपका जो है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। मैं फिर से बता दूं, आपका ताम्र पाषाण मतलब ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि तांबा और पत्थर का एक साथ प्रयोग होता था, इस कारण इसको ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है।
ऊपरी गंगा घाटी पर गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र तथा विभिन्न स्थलों से गेरू बड़ी मृदभांड तथा अनेक ताम्र निधियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, पूर के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट हुई है सैंधव सभ्यता जो है ताम्र कांस्य सभ्यता का ही प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि जो सैंधव सभ्यता थी पहले तो आपका आदि ऐतिहासिक काल में आपका ताम्र पाषाणिक सभ्यता शुरू होती है, उसके बाद आने वाले समय में जो सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता होती है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है, ताम्र कांस्य सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। तो आदि ऐतिहासिक काल यानी ताम्र पाषाणिक काल के जो साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से, तो शाहजहांपुर और मेरठ से देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, थोड़ा सा देख ले सिंधु घाटी सभ्यता को, मैं डिटेल में आप लोगों को दे चुका हूँ, आप वहां से पढ़ सकते हैं। लगभग 2350 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1750 ईसा पूर्व के मध्य सैंधव सभ्यता का जो है अस्तित्व मौजूद था। यह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि पहली बार नगरीय सभ्यता की अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकृत जो है सभ्यता माना जाता है। इस नगरीय सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, आपके इस पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, सिंध तथा पंजाब प्रांतों तथा भारत के पंजाब हरियाणा गुजरात राजस्थान जम्मू कश्मीर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाता है। अगर मोटा मोटी कहें तो आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता भारत के वर्तमान मतलब भारत और वर्तमान का जो है पाकिस्तान, क्योंकि उस समय का क्या था, भारत का ही हिस्सा हुआ करता था ये, कौन सा आपका जो पाकिस्तान। ठीक है, तो वैसे पाकिस्तान वाले ये कहेंगे कि पहले भारत का ही हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था भारत, लेकिन जो है काफिरों ने हमसे छीन लिया, ऐसे हम क्लास में पढ़ाया करते हैं। तो वही है कि यहाँ पर क्या है, पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान, लेकिन वर्तमान में ये भारत का हिस्सा नहीं है बल्कि अलग एक देश बना हुआ है जहाँ पर जो है शांति का संदेश देने वाले लोग हैं। चलिए देखते हैं, तो फिर से बता दूं, लगभग 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य सैंधव सभ्यता का जो अस्तित्व था यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस नगरीय सभ्यता के साक्ष्य जो है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का ये जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है, बलूचिस्तान सिंधु घाटी वाला मतलब सिंधु सभ्यता वाला क्षेत्र, मतलब सिंधु प्रांत और पंजाब प्रांत, ये है पंजाब प्रांत, सिंधु नदी है तो ये तो है भारत देश वाला, ये है भारत देश वाला, ठीक है, और ये है पाकिस्तान वाला पंजाब, तो पाकिस्तान का पंजाब और भारत देश का पंजाब, उसके बाद हरियाणा गुजरात राजस्थान जम्मू कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब जूम करके दिखा देता हूँ मैं, यह है उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, आलमगीरपुर कालीबंगा राजस्थान में, बनावली राखीगढ़ी रोपड़ हरियाणा मिलता है, हड़प्पा ठीक है ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, रावी झेलम चिनाब सतलज सिंधु ठीक है, मेहरगढ़ मोहनजोदड़ो अमरी बालाकोट अल्लादीनो ठीक है, कोट दीदी धौलावीरा सुरकोटदा लोथल रंगपुर रोजदी ठीक है, देसलपुर तापी नदी का ये किनारा था, भगत राव ठीक है, दैमाबाद चंबल नदी, ये है यमुना नदी गंगा नदी रोपड़ ठीक है, ये है मांडा। तो मांडा जो है आपका उत्तर पश्चिम में सीमा बना रहा है, ये पश्चिम में अगर देखा जाए तो सुत कांगिडोर बनाता है, दक्षिण में आपका दैमाबाद बना लेता है, और पूर्व की अगर बात की जाए तो आलमगीरपुर बनाता है, यानी कि मांडा उत्तर में, पूर्व में आपका आलमगीरपुर, दक्षिण में आपका दैमाबाद, और सुत कांगिडोर जो है आपका पश्चिम की ओर जो है सीमा साझा करता है यानी कि बनाता है। क्लियर हुआ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना कहाँ से कहाँ तक ये किस तरह से फैला हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तार की बात करें तो उत्तर में जो है चिनाब नदी या अखनूर के निकट जो है मांडा तक है, ये चिनाब नदी या अखनूर के पास मांडा नदी, दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में गोदावरी नदी के जो है दायमाबाद या दैमाबाद में, वहीं पूर्व में देखा जाए हिंडन नदी के पास में जो है आलमगीरपुर जो है, वहीं आपका दास्क नदी जो पश्चिम में सुत कांगेर डोर में आपको देखने को मिलता है। तो उत्तर में किससे सीमा साझा, उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ है, मांडा ये आपका जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, दैमाबाद जो है आपका दक्षिण में, सुतकांगिड और आपका पाकिस्तान में देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सैंधव सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य राज्य साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग में आलमगीरपुर यानी कि मेरठ बड़ा गांव बागपत तथा हुलास सहारनपुर आदि स्थान से देखने को मिल जाते हैं। फिर से बता दूं उत्तर प्रदेश में कहां से मिलते हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, आलमगीरपुर मैंने क्या बताया, आलमगीरपुर ये है आपका मेरठ वाला क्षेत्र, बड़ावली उसके ठीक नीचे मिलेगा आपका जो है बड़ा गांव
जो कि आपका बागपत, उत्तर प्रदेश का बागपत पड़ता है। होलास जो है ऊपर जो है सहारनपुर, जो कि आपका क्या बोलते हैं, सहारनपुर किससे सीमा बनाता है, आपका हिमाचल प्रदेश से। तो आपका उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मेरठ में जो देखने को मिल जाता है, बड़ा गांव जो बागपत में देखने को मिल जाता है, होलास जो है सहारनपुर आदि स्थानों से हमें प्राप्त मिलते हैं। किससे? सैंधव घाटी सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश नामक राज्य से। कहाँ कहाँ से मिलते हैं? मेरठ, बड़ा गांव, होलास, वो मेरठ, मेरठ बागपत, और कहाँ से? आपका सहारनपुर से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सहारनपुर मेरठ की, आलमगीरपुर की बात की जाए तो मेरठ में, बड़ा गांव आपका बागपत, हुलास जो है सहारनपुर। हिंडन नदी के तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज जो करने वाले व्यक्ति थे, सबसे पहले भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी, तथा इसका उत्खनन कार्य जो है यज्ञ दत्त शर्मा के निर्देशन में 1858 में किया गया था। कौन सा? आलमगीरपुर का। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है आपको देखने को मिल जाएगा? ये आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर देखने को मिलता है। कहाँ पर है हिंडन नदी? आपका जो है मेरठ राज्य में देख, वो मेरठ नामक जिले में देखने को मिल जाती है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा सा देखते हैं आगे ही। नई खोजों के अनुसार सैंधव सभ्यता के साक्ष्य जो है बुलंदशहर के भटपुरा, मानपुरा, मुजफ्फरनगर के मांडी गांव तथा शामली के कैराना क्षेत्र से भी मिलते हैं। फिर से बता दूं, नई खोजों के अनुसार व्यथित तो बताया जाता है कि मेरठ से, बागपत से, और जो है मेरठ बागपत और शाहजहांपुर से देखने को मिलते हैं, लेकिन सहारनपुर से देखने को मिलते हैं, लेकिन नई जो खोज निकले हैं उसमें ये साक्ष्य मिला है कि उत्तर प्रदेश में जो है आपका भटपुरा पड़ता है, बुलंदशहर में भटपुरा में मानपुरा है, मुजफ्फरनगर से आपका मांडी गांव, और शामली के कैराना क्षेत्र से भी मिलता है। कैराना जो है काफी फेमस रहता है, वहां से जो है पलायन वगैरह करते रहते हैं हिंदू वगैरह, तो वो काफी फेमस बना रहता है शामली का कैराना जो है गांव। ठीक, तो फिर से बता दूं, पुराने में बात देखा जाए तो मेरठ बागपत और जो है सहारनपुर, वहीं आपका अगर नई खोजों के या नई खोजों के साक्ष्य के अनुसार अगर देखा जाए तो बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली। बुलंदशहर की बात करें तो भटपुरा और मानपुरा, मुजफ्फरनगर की बात करें तो मांडी गांव, ठीक है, शामली के कैराना के क्षेत्र से हमें देखने को मिल जाते हैं। सैंधव सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता के पूर्व की सभ्यता को उत्तर सैंधव सभ्यता कहा जाता है, यानी कि ऐसा संक्रमणीय क्षेत्र जो सैंधव सभ्यता जो है खत्म हो रही होती है और वैदिक संस्कृति का क्या हो रहा होता है, उदय हो रहा होता है, इस तरह की संस्कृति को पूर्व की क्या कहते हैं, उत्तर सैंधव सभ्यता कहा जाता है। आलमगीरपुर के उत्तर सैंधव कालीन लोग कपास की खेती किया करते थे। इस सभ्यता के लोग जो है गांव में निवास करते थे। चलिए ऐतिहासिक काल में देख लेते हैं। लौह युगीन संस्कृति, जो वर्तमान की संस्कृति है उसको लौह युगीन संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि आप कहीं पर भी चले जाइए बिना लोहे के जीवन जो है संभव नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारत, बड़े बड़े घर जो है वो लोहे से ही देखने को मिलते हैं बने हुए। ठीक है, तो जो ऐतिहासिक काल है उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल या लौह युगीन संस्कृति इसको कहा जाता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य राज्य के अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, अतरंजीखेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती, कांपिल आदि स्थानों से देखने को मिलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश नामक राज्य के कुछ प्रमुख जो है महाजनपदों वाले क्षेत्र हैं। फिर से बता दूं, अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, जो है आपका एटा पड़ता है, मैनपुरी, एटा मैनपुरी आपने सुना हो, या एटावा मैनपुरी, तो मैनपुरी से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ता है जिसको एटा कहते हैं, तो वहां पर जो है आपके हस्तिनापुर जो है वहां पर पड़ता है। ठीक है, वहीं आपका अतरंजी खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती, कांपिल आदि स्थानों से हमें देखने को मिलता है। हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा की बात करें, हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर अहिच्छत्र ये पड़ता है यहाँ पर, और हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर ये है, हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु तथा भट्टियां प्राप्त हुई हैं, जो कि यह स्पष्ट करती हैं कि यहाँ के निवासी लोहे को गलाकर उनके विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण करने में जो है सक्षम हो गए थे या निपुण हो गए थे, यानी कि इन्होंने वैज्ञानिक विधि को खोज लिया था, जिससे क्या कर रहे थे ये, यानी कि खनिज का क्या करने लगे थे ये, उत्खनन कह सकते हैं, या फिर लोहे को इन्होंने खोज लिया था। कब? ऐतिहासिक काल की बात है। कहाँ से मिलते हैं ये साक्ष्य? आपके हस्तिनापुर, जो कि एटा के पास में एक जगह पड़ती है, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा से मिलता क्या है भैया? हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा से क्या मिला है? लौह धातु तथा भट्टियां यहाँ से मिली हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, लोहे को गलाकर इन्होंने
उपकरणों का निर्माण करने में महारत हासिल कर ली थी। सैंधव और उत्तर सैंधव सभ्यता के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक या कहें आर्य समाज के नाम से जाना जाता है। फिर से बता दूं, सैंधव और उत्तर सैंधव सभ्यता के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ उसको आर्य सभ्यता या कहें वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये आपको कुछ क्षेत्र दिख जाएंगे, ठीक है, भगवानपुरा, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अछत्रा, कौशाम्बी, जखेरा, ठीक है, अतरंजी खेड़ा, श्रावस्ती, कांपिल्य, नोह, ठीक है, जोधपुरा, मथुरा और रोपड़। ठीक, चलिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जो महाजनपद में जब आप मैं पढ़ाऊंगा तब आपका गांधार, ठीक है, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक सभ्यता देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वैदिक सभ्यता का कालखंड की बात की जाए तो आपका 1500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का देखने को मिलता है। इसका फैलाव जो है सिंधु घाटी क्षेत्र यानी पाकिस्तान से लेकर बंगाल भारत तक देखने को मिलता है, यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक, सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्षेत्र से पाकिस्तान से लेकर यहाँ पर जो है बंगाल वाला क्षेत्र जो है इस तरह से ये पूरा क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं ये इस तरह से, तो ये जो है वैदिक सभ्यता वाला क्षेत्र है, ठीक है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा, फिर से बता दूं, वैदिक सभ्यता का कालखंड मैंने कितना बताया, वैदिक सभ्यता का कालखंड जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय काल माना जाता है। मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग 900 साल तक जो है आपका ये समय काल चलता है, ठीक है। तो इसका फैलाव जो है पाकिस्तान और भारत दोनों में रहा है। सबसे पहले देखते हैं वैदिक काल को, अगर देखा जाए तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि वैदिक काल है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक में क्या होता है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय काल माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल में आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय काल आपका माना जाता है। किसमें, तो यहाँ पर देखते हैं आपका ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय काल, जो कि मोटा मोटी देखा जाए तो करीब करीब 500 सालों तक ये रहता है। तो इस काल में जो आर्य सभ्यता केवल पंजाब तथा सिंध क्षेत्र तक ही सीमित थी, पंजाब वाला क्षेत्र और सिंध वाला क्षेत्र यानी पंजाब और सिंध वाला क्षेत्र तक ही ये सीमित थी इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पंच जनों का निवास हुआ करता था, पंच जन यानी यहाँ पांच नदियां भी हैं, ये है अर्ली वैदिक, तो ये क्या बोलते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता और पंजाब वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, पंच जनों में कौन कौन थे, अनु, ठीक है, ध्रुव, यदु, पुरु तथा तुर्वस शामिल थे। इस काल के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत केवल ऋग्वेद संहिता माना जाता है, यानी कि ऋग्वेद में इस काल का पूरी तरह से लेखा जोखा है, इसी कारण इसको हम ऋग्वैदिक काल भी कह देते हैं। और ऋग्वैदिक काल यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय काल में ये पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र तक ही ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही उत्तर वैदिक काल देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय काल माना जाता है। ऋग वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर ही उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का क्या होता है, विकास होता है। इस समय तक वैदिक संस्कृति का विस्तार उत्तर प्रदेश सहित लगभग सभी उत्तरी भारत के उत्तर भारत से लेकर पूर्वी बंगाल तक इसका जो है विस्तार हो चुका था। कहां से कहां तक आपका, मैंने क्या बताया था कि जो उत्तर वैदिक सभ्यता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय काल बता रहा हूं, तो मैंने बताया कि यहां से कहां से आपका वैदिक संस्कृति विस्तार जो है उत्तर प्रदेश सहित यहां से शुरू होता था, उत्तर प्रदेश सहित लगभग पूरे उत्तर भारत वाले क्षेत्र से लेकर ये पूरा इस तरह से इस क्षेत्र में पूरा का पूरा जो है अच्छे से इसका फैलाव हो गया था। तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र जो था उत्तर प्रदेश का सरस्वती गंगा दोआब क्षेत्र था, सरस्वती गंगा दोआब क्षेत्र था, ठीक है, सरस्वती गंगा दोआब क्षेत्र था, जो इस समय जो मध्य देश कहा जाता था। मध्य देश में क्या क्या आता था, मध्य देश में आपका कुरु और पांचाल आया करता था। फिर से बता दूं, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृत का मुख्य केंद्र कौन सा था, उत्तर प्रदेश का सरस्वती गंगा दोआब क्षेत्र था, ये सरस्वती गंगा दोआब वाला क्षेत्र था। इस क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता था, इसके अंतर्गत मध्य देश के अंतर्गत आपका कुरु और पांचाल आते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत कुरु और पांचाल जैसे कुछ विशाल राज्य शामिल हुआ करते थे। तो ये आपका उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर वैदिक सभ्यता में 1000 ईसा पूर्व से लेकर, नेक्स्ट देखते हैं इसी में,
तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो कुरु की बात करें, जो कुरु राज्य है, ये कुरु जो है महाजनपद है, तो कुरु की अगर बात की जाए तो मेरठ, दिल्ली और थानेसर तक फैला हुआ था। मेरठ, दिल्ली तथा थानेसर, ये है आपका मेरठ, ठीक, ये है आपका दिल्ली, और आपका जो है हरियाणा में पड़ता है थानेसर। तो मेरठ, दिल्ली, थानेसर तक ये देखने को मिल जाता है। भाई पांचाल की बात करें, आसन द्वीप, इसकी राजधानी किसकी, आपका कुरु की राजधानी आसन द्वीप, आसन द्वीप आपका हस्तनापुर थी, जो कि हस्तनापुर आपका एटा में आपका देखने को मिल जाता है, यानी एटा वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। पांचाल की बात कर लेते हैं, पांचाल कहाँ कहाँ फैला हुआ, तो पांचाल राज्य का विस्तार की बात करें तो बरेली, बदायूं, फरकाबाद, आइए मैं दिखा देता हूँ, पांचाल, बरेली, बदायूं, फरकाबाद, ठीक है, ये है बरेली, बरेली, बदायूं और फरकाबाद वाला क्षेत्र, यानी कि यह है बरेली, बदायूं, ठीक है, और ये फरकाबाद वाला क्षेत्र, तो इस तरह से जो है आपका क्या कहलाता है ये, इसको पांचाल राज्य कहा जाता था, ठीक है, आठ क्षेत्रों तक इसका विस्तार था। पांचाल की राजधानी की अगर बात करें तो कांपिल राजधानी थी, किसकी, पांचाल की राजधानी कांपिल थी उस समय, और आपका कुरु की राजधानी थी हस्तनापुर, आसान दीप, ठीक है, हस्तनापुर जो कि आपका एटा में पड़ता है वर्तमान के। उत्तर वैदिक सभ्यता में आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में पांचाल सबसे अधिक विकसित था, ये पांचाल जो था ये सबसे अधिक विकसित था। कुरु पांचाल क्षेत्रों में ही भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि आदि महान जो है ऋषियों ने क्या किया था, तपस्या वगैरह की थी, कौन से क्षेत्रों में, कुरु और पांचाल क्षेत्रों में आपके कौन कौन से महान जो ऋषि मुनि थे, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि आदि महान ऋषियों की ये तप स्थली रही है। इस काल में विद्वान चार प्रकार के जो है मृदभांड, काला, लाल, लेपयुक्त, चित्र दूसर और लाल मृदभांड, ठीक है, बनाया करते थे। तो इसमें से अगर बात की जाए तो इसमें से लाल मृदभांडों के अवशेष संपूर्ण उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महाकाव्य काल या एपिक पीरियड, जिसमें महाभारत और रामायण के बारे में अच्छे से जो है चर्चा हुई मिलती है, तो आइए समझते हैं महाकाव्य काल, महाकाव्य काल, एपिक पीरियड, तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरणों में उत्तर प्रदेश में दो अति विशिष्ट जो है महाकाव्य, रामायण तथा महाभारत का जो है प्रणयन हुआ है, यानी कि ये अस्तित्व में आते हैं, जो कि तत्कालीन इतिहास के जो है मुख्य स्रोत तो बताए जाते हैं महाकाव्य काल के। इस युग के विशाल राज्यों में आपके किस युग के, महाकाव्य काल की अगर बात करें, विशाल युग में क्या क्या आ जाता है, आपका आ जाता है कौशाम्बी, कहाँ गया कौशाम्बी, यहीं कहीं था, अभी बात हो रही थी कौशाम्बी वालों से, कौशाम्बी कहाँ मर गया बे, अभी तो बात हो रही थी कौशाम्बी, चलिए इसमें नहीं, कोई बात नहीं, दिखा दूंगा, कौशाम्बी, कौशल, ठीक है, काशी, विदेह, मगध और अंग, यानी कि यहाँ पर जो है काशी, अंग, कौशल, यहीं पड़ता है आपका विदेह, ठीक है, और ये आपके कुछ क्या थे, महाकाव्य काल के क्षेत्र थे, ठीक है। तो रामायण की कथा जो है कौशल, यानी कि अयोध्या वाला क्षेत्र, जो कौशल वाला क्षेत्र जो है ये अयोध्या वाला क्षेत्र, तो कौशल यानी कि अयोध्या राज्य के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। इसके रचयिता कौन थे आपके, रामायण के रचयिता कौन थे, महर्षि वाल्मीकि थे, कौन, महर्षि वाल्मीकि आपके रामायण के रचयिता थे, ठीक है। महाभारत की कथा की अगर बात की जाए, हस्तनापुर के कुरु वंश से संबंधित है, महाभारत की अगर बात की जाए तो हस्तनापुर के कुरु वंश, मैंने बताया था कि कुरु की राजधानी कहाँ थी, हस्तनापुर, ठीक है, तो कुरु वंश से संबंधित थी। महाभारत के रचयिता की अगर बात की जाए तो महर्षि वेद व्यास थे, ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद क्षेत्र, ठीक है, विस्तार तथा उनकी राजधानियां देख लेते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद और उनकी राजधानियां और उनके राज्य क्षेत्र, कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, वो कुरु की बात करते हैं, मेरठ, दिल्ली, थानेसर, मैंने बताया था आपको, मेरठ, दिल्ली, थानेसर, यह है उत्तर प्रदेश का मेरठ, यह है आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और यही पड़ता है हरियाणा, ये पड़ जाता है क्षेत्र आपका कुरु वाला, यानी कि मेरठ, दिल्ली और थानेसर, इसकी राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ काफी समय तक रही है, ठीक है। तो पांचाल की बात कर लेते हैं, पांचाल, बरेली, बदायूं, फरकाबाद, इसकी राजधानी कहाँ है, अछत्र, बरेली और कांपिल दोनों थी, ठीक है, आइए दिखा देता हूं मैं आपको, बदायूं, बरेली और फरकाबाद, ये आपका यहां पर भी देख सकते हैं आप,
ठीक है, ये आपका कुरु, वो पांचाल की बात कर रहा हूँ मैं, बरेली, बदायूं और फरकाबाद वाला क्षेत्र। तो ये इसकी राजधानी मैंने क्या बताई, इसकी राजधानी थी अछत्र जो कि बरेली और कांपेली थी। सूरसेन की बात करें, सूरसेन कहाँ पर, कौन सा क्षेत्र था आपका, मथुरा, मथुरा वाला क्षेत्र जो है आपका सूरसेन क्या था आपका, मैं इसमें दिखा देता हूँ सूरसेन, पहले तो मथुरा दिखा देता हूँ। ये आपका आगरा, आगरा के ठीक आपका ये आगरा, और इसके ठीक ऊपर चलते चले जाएंगे तो यहाँ हाथरस, ये है आपका मथुरा, इस तरह से जाइए तो मथुरा, मथुरा ये रहा, ठीक है। तो मथुरा जो है आपका, मथुरा यहाँ पड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश में यहाँ जाएंगे तो ये है मथुरा वाला क्षेत्र, नहीं ये है मथुरा वाला क्षेत्र, ठीक है, एक मिनट यार मैं जूम कर देता हूँ, ये है आपका मथुरा वाला क्षेत्र जिसको कहते हैं सूरसेन या सूरसेना, ठीक है, सूरसेना। तो ये जो है इसकी राजधानी की बात करें तो मथुरा इसकी राजधानी थी। बत्स की बात करें, उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों की बात कर रहा हूँ, प्रयागराज, बत्स, ठीक है बत्स। अब प्रयागराज भैया कहाँ है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको, प्रयागराज ये है आपका प्रयागराज, यानी कि वर्तमान का प्रयागराज और उस समय का इलाहाबाद। तो ये कहाँ है और कहाँ पर था, प्रयागराज, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका बत्स वाला क्षेत्र, ठीक है, ये है आपका काशी, बस बस हाँ ये है ये बस, ठीक है। तो ये इसकी राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी। आप आ जाता है कौशल, कौशल जो है अवध वाला क्षेत्र, अवध वाला क्षेत्र यानी कि कह सकते हैं मोटा मोटी ये कौशल, कौशल वाला ये अवध वाला क्षेत्र यानी कि ऊपर किनारे वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। राजधानी की जो है साकेत व श्रावस्ती, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाला ये है श्रावस्ती, ये इस तरह से ये श्रावस्ती, तो ये जो है कौशल वाला क्षेत्र है। मल्ल राज की बात करें तो कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश का बिल्कुल कोने में पड़ता है आपका ये कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर। मल्ल राज की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जूम करके दिखा देता हूँ, मल्ला और छोटा सा लल्ला, ये है मल्ल राज, उत्तर प्रदेश नामक राज्य में आपका कुशीनगर नामक जिले में आपका मल्ल वाला क्षेत्र देखने को मिल जाता है। वहीं आपका आ जाता है काशी, ठीक है, वाराणसी इसकी क्या थी, विस्तार क्षेत्र जो है वाराणसी वाला, राजधानी इसकी वाराणसी थी। काशी में आपको दिखा देता हूँ, काशी ये है काशी, ये इस तरह से काशी विश्वनाथ बोलते हैं ना, काशी काशी। चलिए चेदी की बात करें, चेदी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड, ठीक है, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये नीचे पड़ जाता है बिल्कुल इसके, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। तो चेदी ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, चेदी। सुक्तिमती बांदा यहाँ पर है, नीचे चलते चले जाएंगे ये इस तरह से, ये है बांदा, नीचे आ जाएंगे तो आपका बुंदेलखंड लग जाएगा, ठीक है, एमपी में, ठीक है। तो खूब लड़ी मर्दानी थी तू, झांसी वाली रानी थी, कविता सुनी ना बुंदेलखंड वाली, तो यहाँ पर जो है नीचे चलते चले जाएंगे, राजधानी इसकी बांदा थी, तो यहाँ पर जो है बुंदेलखंड इसका क्षेत्र था प्रमुख रूप से, ठीक है, सुक्तमती इसकी राजधानी थी, सुक्तमती। चलिए उत्तर प्रदेश में नए धर्मों का उदय देख लेते हैं, उदय हुआ किस तरह से, तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं एक एक करके, कुछ धर्म है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। नवीन धर्मों का उदय उत्तर प्रदेश में, ठीक, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित जैन बौद्ध धर्म का तत्कालीन उत्तर प्रदेश क्षेत्रों पर जो है व्यापक प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये जो क्षेत्र था छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश में बहुत सारे धर्मों की क्या हो रही थी, खेती की बुवाई हो रही थी, धर्मों की बुवाई हो रही थी। उसके बाद जब धीमे धीमे किले फूटते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, इसका बहुत बड़ा, बहुत अच्छा खासा जो है प्रभाव रहता है। तो उन्हीं को हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला धर्म जो आ जाता है वो आ जाता है जैन धर्म, ठीक है, तो जैन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैन धर्म को, जैनिज्म जिसको हम कह सकते हैं। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें जो है तीर्थंकर थे, इनका जन्म जो था कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था, पार्श्वनाथ का जन्म जो है कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था, ये वाराणसी, ठीक। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली यानी कि बिहार में हुआ था, वैशाली यानी कि बिहार, यहां पर नहीं है कोई बात नहीं, वैशाली यानी कि बिहार में हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य में, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में उनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी। राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में चंद्रप्रभा तथा शंबरनाथ आदि प्रसिद्ध तीर्थंकरों का जन्म भी हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ जो है जैन धर्म से संबंधित उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए तथ्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी भारत में या फिर उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में जैन धर्म के दो प्रमुख जो है तीर्थ स्थलों में से एक तो मथुरा में है और दूसरा उज्जैन में मौजूद है। उज्जैन तो भाई आपका पड़ जाता है, क्या बोलते हैं,
मध्य प्रदेश में, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। थोड़ा सा नीचे खिसकेंगे तो आपका उज्जैन आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मथुरा, ठीक है, मथुरा। और आपका जो है इस तरह से ये है, आपका दिख रहा होगा मथुरा वाला क्षेत्र। नीचे चलते चले जाएंगे तो आपका जो है उज्जैन वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, यानी कि एमपी वाले में। मथुरा से जैन धर्म के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह कुषाण काल में जैन धर्म का जो है समृद्ध केंद्र हुआ करता था। क्या? आपका मथुरा वाला क्षेत्र। क्लियर हुआ? चलिए, बौद्ध धर्म की भी बात कर ले। मैंने बौद्ध धर्म के बारे में अलग से वीडियो बना दिया, आप अच्छे से डिटेल में आप पढ़ सकते हैं बौद्ध और जैन के बारे में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तकों के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु गणराज्य के लुम्बिनी यानी कि नेपाल वाले क्षेत्र में आपका 563 ईसा पूर्व में होता है। फिर से बता दूं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु गणराज्य के लुम्बिनी यानी कि वर्तमान में जो है लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में, नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता किसके? आपके गौतम बुद्ध या कहें सिद्धार्थ के पिता का नाम जो था सुद्धोधन, कपिल वस्तु के राजा थे। कपिल वस्तु ये है, कपिल वस्तु, ठीक है, कपिल वस्तु के राजा थे जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में मौजूद है। यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का वर्तमान का सिद्धार्थ नगर जिले में मौजूद है। कौन सा? कपिल वस्तु, ठीक है, कपिल वस्तु यानी कि थोड़ा सा वहां पर, लेकिन वर्तमान का कहां पड़ता है? सिद्धार्थ नगर, ठीक। इनकी माता किसकी? आपकी गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी, और आपका जो है इनके पिताजी का नाम, सॉरी, इनकी माता का नाम माया देवी, रामग्राम गोरखपुर के कोलीय गणराज्य की क्या थी? ये पुत्री थी। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, गोरखपुर, गोरखपुर के यहां पर कोलीय गणराज्यों के उस समय का कोलीय गणराज्य वाला क्षेत्र है, ठीक है, रामग्राम। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ ऋषिपत्तनम या कहें मृगधाम में दिया था। सारनाथ ऋषिपत्तनम या कहें मृगधाम में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कहां पर दिया? यहां पर आपको दिख जाएगा सारनाथ, यह है सारनाथ, वर्तमान में ये आपका पड़ता है सारनाथ। कहां पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है, ठीक है, बिहार में आपका बोधगया वाला क्षेत्र जो है सारनाथ, ठीक है। तो इसको हम ऋषिपत्तनम या कहें मृगदाब के नाम से भी जानते हैं। किसको? सारनाथ को। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में ही महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती, कौशल की राजधानी। अब श्रावस्ती भैया कहाँ है? यह है आपका श्रावस्ती वाला क्षेत्र, ठीक है, श्रावस्ती वाला क्षेत्र। तो श्रावस्ती कौशल राजधानी में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु क्या है? महापरिनिर्वाण यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा, वर्तमान में कुशीनगर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कुशीनारा यानी कि वर्तमान में कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, मैं 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। फिर से बता दूं, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के जो है सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती यानी कौशल की राजधानी में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, और इनको जब जन इनका जो क्या बोलते हैं, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उस समय महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु जो है कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश नामक राज्य में हो जाती है 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये है रामू काका, समझ गया ना। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? पालना कहा जाता है। पालना वो होता है ना जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें झूला झुलाते हैं ऐसे करके, सो जा बेटा, तो उसको पालना कहते हैं। क्योंकि महात्मा बुद्ध के सन्यासी जीवन का जो अधिकांश भाग आपका उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में 7 मुख्य जो है गणराज्य, कपिल वस्तु के शाक्य, सुमार पर्वत, चुनार के भग, केलपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल तथा पिप्पलवन के मौर्य थे। फिर से बता दूं, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में 7 मुख्य गणराज्य, कपिल वस्तु के शाक्य, सुमार पर्वत, चुनार के भग, केलपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और पिप्पलवन के मौर्य थे। तो यहाँ पर आपकी सारी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी। ये पैदा हुए थे, घटना हुई थी
ठीक है, ये तो फर्जी दिखाया है, ऐसे नहीं थे इस समय जब ये क्या बोलते हैं इन्होंने उसको बचाया था। वो क्या था, बचपन में की कहानी आपको मिल जाएगी। तीर से बचाते हैं तो कहते हैं मारने वाला बड़ा होता है बचाने वाला, तो इनको जो है ये मिल जाता है क्योंकि इनके भाई कहते हैं कि जो हंस है हमने शिकार करके मारा है और इन्होंने इसको बचाया था, तो कहते हैं ये इनको मिलेगा। फिर इनकी शादी हो जाती है, फिर ये घर से बाहर निकलते हैं, तब लाश देखते हैं और फलाना ढिमका देखते हैं। फिर उनको जो है ये क्या करते हैं, अपने बीवी को और अपनी पत्नी को, बच्चों को सोते हुए छोड़ जाते हैं जंगल में, अंधेरी रातों में, सुनसान राहों में पहुंचते हैं। उसके बाद जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, फिर ये पहला उपदेश देते हैं। फिर यहाँ पर जो है आपको एक वेश्या होती है या फिर जो है नर्तकी होती है, उसको भी ये उपदेश देते हैं। फिर ये अपने शिष्य वगैरह बनाते हैं, फिर तरह तरह का ज्ञान देते हैं, उसके बाद फिर आनंद लेते हैं और आखिर में जो है इनको धर्म चक्र महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अन्य थोड़े से धर्म देख लेते हैं। जैन और बौद्ध धर्म के अलावा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण धर्म के देवी देवताएं जैसे विष्णु, वासुदेव, सूर्य, कार्तिकेय, वाराह, दुर्गा, लक्ष्मी आदि की प्राचीन मूर्तियां मथुरा से प्राप्त होती हैं। मैंने मथुरा आपको दिखा दिया था, उत्तर प्रदेश के ये है आपका मथुरा, ठीक है। इसलिए मथुरा को भारतीय मूर्तिकला का जन्म स्थान भी कहा जा सकता है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित विभिन्न कालों में निर्मित अन्य मंदिर जैसे कि मंदिर प्रयागराज, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, झांसी, कानपुर में है। यानी कि मैं आपको प्रयागराज दिखा दूं, ये है आपका प्रयागराज, ये है आपका वाराणसी यानी कि वाराणसी, और क्या है आपका वाराणसी, बलिया, गाजीपुर और झांसी। बलिया आपका ये कोने में बलिया, ठीक है, यहीं आपका थोड़ा सा नीचे मिलेगा गाजीपुर, ये मिलेगा आपका कानपुर, ठीक है, और ये आपका झांसी, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ मंदिर यहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश मथुरा के सोंक नामक स्थान की खुदाई से कुषाण कालीन मंदिर मिला है जो ब्राह्मण धर्म का जो है क्या है, प्रतीक माना जाता है। फिर से बता दूं, उत्तर प्रदेश का मथुरा नामक एक क्षेत्र है, मथुरा नामक जिले में एक से सोंक नामक स्थल पर खुदाई करने से कुषाण कालीन मंदिर मिलता है जो कि ब्राह्मण धर्म का क्या है, प्रतीक माना जाता है। चलिए मगध साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मगध साम्राज्य, मगध जो है प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु ने बिहार के साथ साथ आधे उत्तर प्रदेश पर भी आधिपत्य यानी कि अधिकार कर लिया था। आधे उत्तर प्रदेश पर क्या कर लिया था, आधिपत्य यानी कि अधिकार कर लिया था। मगध साम्राज्य पर हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश ने शासन किया था। मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जो था नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको मगध वगैरह ये पढ़ा चुका हूँ प्राचीन भारत के इतिहास में, आप वहां पर इसको डिटेल में देख सकते हैं। चलिए मौर्य काल को थोड़ा सा देख लेते हैं। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के धनानंद को पराजित करके मगध में मौर्य वंश की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। मगध जो होता है उसमें मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में ईरान, सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक कर लिया था। यानी कि यहां से होता है ईरान, फिरान, पता नहीं कहां कहां तक आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहां तक कर लिया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार तथा उसके बाद बिंदुसार का पुत्र जो है अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। अशोक के इतिहास के स्रोत उनके अभिलेख हैं, ठीक है। अशोक का प्रमुख जो है इतिहास क्या बताते हैं, उनके अभिलेखों द्वारा बताया जाता है। मौर्य काल में ही आगे देखते हैं, अशोक का तोपरा एवं मेरठ के स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में तथा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को अकबर द्वारा प्रयाग के किले में स्थापित करवाया था। सारनाथ स्तंभ लेख के शीर्ष पर बने सिंह की आकृति को भारत सरकार ने अपने राजकीय चिन्ह बनाया है, ठीक है। आप देखते हैं ना, वो राष्ट्रीय चिन्ह आपको देखने को मिलता है, वो आपका सारनाथ स्तंभ लेख के शीर्ष पर जो शेर की आकृति बनी है, मतलब तीन शेर बैठे हुए हैं इधर इधर और इधर करके, ठीक है। अशोककालीन पाषाण कलाकृतियां तथा अभिलेखों का निर्माण जो है चुनार मिर्जापुर के बलुआ पत्थर से किया गया है। चुनार जो कि लगता है, बैठे बैठे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये है आपका मिर्जापुर, किधर गया बेटा, अभी तो बात हो रही थी, ये मिर्जापुर, ठीक है। मिर्जापुर तो चुनार मिर्जापुर के बलुआ पत्थर से किया गया है। सारनाथ के धर्म राज स्तूप का निर्माण भी अशोक द्वारा ही कराया गया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सांची,
कौशाम्बी, मेरठ, मथुरा और टोकरा। उत्तर प्रदेश में अशोक के स्तंभ लेख, उत्तर प्रदेश में अशोक के स्तंभ लेख सारनाथ वाराणसी में देखने को मिलता है। सारनाथ का स्तंभ लेख वाराणसी वाले क्षेत्र में, वाराणसी दिखा देता हूँ, ये आपका वाराणसी, ठीक है, ये वाराणसी स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख मिलता है। मेरठ से मिलता है, मेरठ दिखा देता हूँ, उत्तर प्रदेश में, यह है आपका मेरठ, ये स्तंभ लेख मिलता है। कौशाम्बी से क्या मिलता है आपका, इस लघु स्तंभ लेख। कौशाम्बी कहाँ है, ये आपका कौशाम्बी के, ये रहा कौशाम्बी, ठीक है, चित्रगुप्त के ठीक ऊपर कौशाम्बी। आहरौर अभिलेख आपका मिर्जापुर से देखने को मिलता है। लघु शिलालेख इसको कहते हैं, ये आपका मिर्जापुर, ठीक। प्रयागराज ब्रज स्तंभ लेख, ये आपको प्रयागराज में देखने को मिलता है। ये किधर गया बेटा, अभी तो बात हो रही थी फोन पे, कहाँ गया है, प्रयागराज, ठीक, इलाहाबाद कहते हैं। टोपरा, खिज्रबाद और सहारनपुर स्तंभ लेख मिलता है, कहाँ है भैया, ये है सहारनपुर, ठीक है, टोपरा। तो ये हो गया आपका छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो उत्तर प्रदेश में प्राचीन कालीन प्रमुख राजवंश होंगे, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, छोटे छोटे मैं बना दे रहा हूँ, उसके 3-4 पार्ट और आ जाएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट सही से कर देते हो तो मैं आगे के वीडियोज वगैरह बना दूंगा, क्योंकि आजकल जो है काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ मेरा साधन नहीं है, मैं अकेले ही सारे काम करता हूँ, और सपोर्ट आप लोग करते रहते हैं, कुछ भाई बहन फ़ोन करके मुझे बता देते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए बढ़िया मटेरियल दे सकूँ। मैं थोड़ा टाइम लग जाता है यार, इमेज पे इमेज लगाना तमाम चीज़ों में। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और सपोर्ट करते हैं तो आगे का वीडियो में जल्दी आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।